भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले जारी हैं। लंबे समय से देश में लगातार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, 4000 से ज्यादा मौतें होती दिख रही हैं। स्थिति इतनी खराब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम गैब्रेयस ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी चिंता में डालने वाली है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पूरी दुनिया के लिए महामारी का ये दूसरा ज्यादा जानलेवा साबित होने वाला है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक WHO प्रमुख ने कहा है कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी खराब है, कई राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, अस्पताल में भी कई मरीज एडमिट हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जानकारी दी गई है कि भारत की कोरोना स्थिति को काफी करीब से देख रहे हैं और हर जरूरी मदद समय रहते पहुंचाई जा रही है। बताया गया है कि WHO की मदद से भारत में कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं, मास्क भिजवाए गए हैं और कई दूसरी मेडिकल उपकरण भी सप्लाई की जा रही हैं। अब भारत में तो कोरोना की स्थिति विस्फोटक है ही, कई दूसरे देश में दूसरी लहर से ग्रसित नजर आ रहे हैं। WHO प्रमुख की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और इजिप्ट में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। अफ्रीका में भी स्थिति चिंता में डालने वाली है, ऐसे में इन सभी देशों को हर तरह की मदद दी जाएगी। टेड्रोस एड्रोम गैब्रेस ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि महामारी के दूसरा साल है और ज्यादा घातक साबित हो रहा है। उनके मुताबिक जितनी मौतें पिछले साल हुई थीं, इस साल स्थिति और खराब होती दिख रही है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।